बिहार के सहरसा में एक ऐसा भगत बाबा जो कैंसर और टीवी सहित अन्य तरह की बीमारी को अपने जादुई मंत्र से विलीन कर देते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अपने पीड़ितों को लेकर बाबा के दरबार पहुंचे हुए थे और उन लोगों को चिकित्सकों ने महानगर पटना दिल्ली हॉस्पिटल रेफर कर दिया, लेकिन वे लोग रुपए के अभाव में पटना दिल्ली नहीं जा सकते। वहीं पीड़ितों ने सहरसा स्थित गौतम नगर गंगजला बाबा पंकज जैसे लोगों पर पूर्ण भरोसा हो गया और उन्होंने सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को ही बाबा का इलाज करने का दावा भी करते हैं। और कई ऐसे कैंसर और टीवी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं जिनका इलाज बाबा पंकज के द्वारा चल रहा है। आज मंगलवार को लगभग 200 से अधिक पुरुष और महिला बाबा पंकज के आवास पर आकर अपना दावा ठोकते हुए ठीक करने का वादा कर दिए। वहीं बाबा पंकज ने बताया कि वर्ष 2021 में तबीयत खराब होने के दौरान 3 महीने अन्न दाना खाना पीना भी छोड़ दिए थे। उसके बाद मां विषहरा मंदिर प्रांगण से बाबा के ऊपर देवी स्वरूप प्रदान हुआ और वर्ष 2021 से आज तक बिना रुपए के कई लोगों का इलाज कर चुके हैं। इनके यहां कोई भी महिला व पुरुष आते हैं, चढ़ावे में अगरबत्ती और प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर आते हैं और बाबा को प्रणाम करते हुए अपनी उम्मीद लगाए बैठे हुए रहते हैं। बस इसी की जानकारी मिलते ही शहर के विभिन्न इलाके सहित पड़ोसी राज्य सहित पड़ोसी देश के भी लोग यहां आकर मन्नतें मांगते हैं। हम नहीं जान रहे थे कि मेरे शरीर पर देवी देवता आएगा और 28/5/2021 से भी हम के शरीर पर और 3 महीना और अन्न और जल कुछ भी नहीं खाते पीते थे, उसे बेड पर पड़े रहे थे और मेरे आगा भोजन आता था उसके बाद हम प्लेट को जल्दी फेंक देते। सभी आदमी समाज का बोल रहा था कि अब ये नहीं बचेगा, इसको मत इलाज उलाज करवाए। डॉक्टर के पास जाते थे कि इसको कोई बीमारी नहीं, देवीहंस में मुझको कोई इलाज नहीं करता था, शरीर से आग फेंक रहा था और दीवारी स्थान से वहीं से स्टार्ट हुआ देवी शरीर पर। और जितने अंग में शरीर में आपको दुख है सभी दुख यहाँ महारानी की कृपा से सब पार हो रहा है। किस किस तरह का इलाज यहाँ पे जो और है? कैंसर, टीबी, सूजन, ब्लडिंग हो रहा है, भूत प्रेत जिसको लग रहा है महारानी की कृपा से सबका दूर हो रहा है। कितने लोगों को अब तक ठीक किया? कम से कम 5000 आदमी। क्या नाम हुआ? पंकज जाला। घर? घर गंगजला गौतम नगर।